कौन। हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम्पल। हम हैं कलम से क्रांति। हम हैं कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर स्वागत करती हूँ आप लोगों का आप लोगों की अपनी क्लास में। कैसे हैं आप सभी? एक बार जल्दी से हमारे सभी प्यारे छात्र हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएंगे और अपनी इस क्लास को एक बार कर देंगे जल्दी से शेयर ताकि और भी बच्चे हमारे साथ यहाँ पे आके जुड़ जाएं। ठीक है, संडे स्पेशल जो मैंने आप लोगों के लिए क्लास ली थी उसके अंदर मैंने आप लोगों को एक क्वेश्चन कराया था, क्वेश्चन होमवर्क के रूप में दिया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर देख लेते हैं क्या कहता है क्वेश्चन। ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म हैज टू चेम्बर्ड हार्ट, मतलब निम्न में से किस प्राणी के अंदर दो कक्षीय हृदय होता है। ह्यूमन बींग्स में यानी कि मनुष्य में होता है, गोरैया यानी कि स्पैरो में होता है, मंकी यानी कि बंदर में होगा या फिर फिशेज यानी कि मछली में होगा। भाई अभी इस मतलब इस क्वेश्चन की जब मैं बात करती हूँ तो मनुष्य हुआ, गोरैया हुई और बंदर हुई, ये क्या है? ये है मैमल्स यानी कि स्तनधारी, या फिर ये है पक्षी यानी कि एव्स, और साथ साथ जो क्रोकोडाइल होता है, इनमें कैसा हृदय होता है? आप क्या कहोगे? टू चैम्बर्ड हार्ट होता है, फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है, चार कक्षीय हृदय होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करती हूँ किस चीज की? मछलियों की। तो मछली जो होती है इनके पास दो कक्षीय हृदय होता है, एक आलिंद होगा और एक निलय इनके पास होता है। क्या? एक आलिंद होगा और एक निलय होगा, वन आट्रियम एंड वन वेंट्रिकल इनके पास हमें देखने को मिलता है। ये बात ध्यान रखेंगे सभी बच्चा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से कहता है कि वॉट इज द केमिकल नेम ऑफ ड्राई आइस, मतलब जो ड्राई आइस होती है, जो शुष्क बर्फ होती है, इसका रासायनिक नेम क्या होता है? आपसे साइंटिफिक नेम पूछा गया है ड्राई आइस का, ऑक्सीडेन नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर कार्बन ऑक्साइड है। ओके, जल्दी से आंसर करेंगे। वॉट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ ऑक्सीडेन? क्या आंसर करोगे? ड्राई आइस क्या होती है? आप क्या कहोगे? मैम सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है, सॉलिड CO2 जो होती है, वही क्या है? वही हमारा ड्राई आइस होता है ना? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? सॉलिड CO2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाता है। क्या हो जाता है? सॉलिड CO2 इसका सही आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है डेंड्राइट एंड एक्सॉन किस कोशिका के भाग है, मतलब ये कौन सी कोशिका में हम कहते हैं कि डेंड्राइट और एक्सॉन नामक पार्ट्स मिलते हैं? न्यूरॉन में, नेफ्रॉन में, सफेद रक्त कोशिका में या फिर लाल रक्त कोशिका में? क्या उत्तर देंगे? निम्न में से कौन सी ऐसी कोशिका होती है जिसके अंदर डेंड्राइट और एक्सॉन हमें देखने को मिलते हैं? क्या कह दोगे कि भाई जो डेंड्राइट और एक्सॉन होते हैं ये हमें न्यूरॉन में देखने को मिलते हैं, नेफ्रॉन में, सफेद रक्त कोशिका या लाल रक्त कोशिका? तो हम क्या कहेंगे? मैडम जो हमारा न्यूरॉन होता है ना, यहाँ पे डेंड्राइट और एक्सॉन मिलते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ सेल बॉडी मिलती है और मिलते हैं यहाँ पे, माइलिन शीथ मिलती है, नोड्स ऑफ रैनवियर मिलते हैं, ये सब चीजें हमें न्यूरॉन में मिलती है। लेकिन अगर नेफ्रॉन की बात करें तो नेफ्रॉन में क्या क्या भाग मिलेंगे? यहाँ पे आपको बोमेंस कैप्सूल मिलते हैं, बोमेंस कैप्सूल मिलता है। इसके अलावा और क्या मिलेगा यहाँ पे आपको? यहाँ पे आप लोगों को मिल जाता है एक और चीज होती है ना, क्या होता है? ग्लोमेरुल्स होते हैं, PCT होती है, DCT होती है, लूप ऑफ हेनले होता है। वो सब भाग किसके हो जाते हैं? नेफ्रॉन के हो जाते हैं। और जो डेंड्राइट और एक्सॉन हैं वो किसके हैं? वो आपके न्यूरॉन यानी कि शरीर की सबसे लंबी कोशिका के ऊपर मिलते हैं। ठीक है, ये वाला भाग क्या है? ये एक्सॉन हो जाता है। और ये जो ऐसे आपकी झिल्लियां से निकल रही होती हैं उसको हम डेंड्राइट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है मिरर यूज बाय डेंटिस्ट टू सी लार्ज इमेजेस ऑफ पेशेंट्स टीथ इज, भाई जो भी आपके पेशेंट्स होते हैं उनके दांतों की बड़ी आकृति देखने के लिए आप कौन से दर्पण का उपयोग करते हो? पहला क्वेश्चन है आप लोगों के लिए
पहला क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए कहता है, पहला क्वेश्चन बच्चे आप लोगों के लिए कहता है कि जिगजैग मिरर पहला ऑप्शन है, दूसरा है प्लेन मिरर, तीसरा है आप लोगों के लिए कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉन्वेक्स मिरर, और चौथा कहता है कॉनकेव मिरर। क्या आंसर करोगे, क्या आंसर आएगा आप लोगों का? आप कह दोगे कि मैडम इनमें से जब हम बात करते हैं ना तो हमें बड़ी बड़ी इमेजेस देखनी है, ठीक है, और ये जो इमेज होती है ये कैसी आनी चाहिए, क्या ये वर्चुअल होनी चाहिए इमेज? कहोगे नहीं मैम ये वर्चुअल नहीं होनी चाहिए। ये कैसी होनी चाहिए? ये हाँ सॉरी वर्चुअल होनी चाहिए, आभासी होनी चाहिए, ऐसा ना हो हम उसको टच कर सके, रियल नहीं होनी चाहिए। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या हो जाएगा? सिंपल सा मतलब हो जाएगा हम यहाँ पे कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करेंगे। क्यों? क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा छोटी इमेज बनती है। कैसी इमेज बनती है बच्चा? छोटी इमेज यहाँ पे बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट परसेंट ऑफ एनर्जी इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इन अ फूड चेन? जल्दी से आंसर कीजिए। क्या आंसर करेंगे जल्दी से बताएंगे एक बार? तो भाई देखो हम जब भी बात करते हैं, हाँ जी, तो यहां पे देखो हम जब भी बात करते हैं किस चीज की, कि आपकी जो फूड चेन होती है, अरे फूड चेन कहां जा रही है, चलो जो भी आपकी फूड चेन होती है, जब भी हम इसकी बात करते हैं तो इस फूड चेन के अंदर हम एक चीज देखते हैं, और वो ये क्या है, इस फूड चेन के अंदर एक चीज देखते हैं कि ये आपका सन है, ठीक है, इस सन से कुछ लाइट रेज निकली, इनके अंदर कुछ थी एनर्जी, इस सन के पास जितनी एनर्जी थी उसका सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है और वो प्लांट्स गेन करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को खाते हैं फिर हर्बीवोर्स यानी कि शाकाहार। कौन खाते हैं? हर्बीवोर्स खाते हैं, और वो क्या करेंगे? प्लांट का 10% यूज करेंगे। फिर हर्बीवोर्स जो होते हैं वो उनको खाते हैं कार्निवोर्स, वो उनका भी कितना होता है? सिर्फ और सिर्फ 10% ट्रांसफर होता है। तो अगर हम 10% देखते हैं तो आप अल्टीमेटली क्या देखोगे? आप अल्टीमेटली देखोगे कि किसी भी चीज का 10% अगर मुझे निकालना है तो 10/100 करूंगी। 10/100 कितना हो जाता है? 0.1% हो जाता है। यानी कि क्या हो जाएगा यहाँ पे? सिर्फ और सिर्फ 0.1 आपका एनर्जी ट्रांसफर होती है जब भी हम फूड चेन की बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, हाउ मेनी एलिमेंट्स आर देयर इन द पीरियोडिक टेबल सच दैट फॉर एवरी एलिमेंट नेम देयर इज सिंगल अल्फाबेट दैट सिंबलिकली रिप्रेजेंट्स इट। मतलब साफ सीधी सी बात क्या कह रहा है कि जब भी हम आपके पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो उस पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने ऐसे तत्व होते हैं जिनको हम खाली एक लेटर से शो करते हैं, जैसे हाइड्रोजन हुआ, फिर उसके बाद कौन आ जाता है? बोरोन आ जाता है, कार्बन आ जाता है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, फ्लोरीन है, इस प्रकार के जो आपके एलिमेंट्स हैं इसमें कितने एलिमेंट्स आपको देखने को मिलते हैं जो सिर्फ एक सिंगल लेटर से शो हो जाते हैं? क्या आंसर करोगे? तो
तो यहाँ पे देखो कितने ऐसे एलिमेंट्स हो जाएंगे, आप क्या कहोगे मैडम आंसर हो जाता है 14। ठीक है भैया पानी का जुगाड़ करने गए थे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या आंसर हो जाएगा बच्चा, 14 यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाता है। तो आपके ऐसे 14 एलिमेंट्स होते हैं, जैसे यूरेनियम हो गया, जैसे वोल्फ्राम हो गया, ठीक है, ये सब आपके 14 एलिमेंट्स ऐसे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ एनर्जी, ऊर्जा की एसआई इकाई कौन सी है, क्या आंसर करोगे। अच्छा ध्यान रखिएगा, एसएससी जीडी का आचार्य बैच है जिसमें आप जीडी 33 कोड लगाएंगे तो आपको 33% डिस्काउंट मिलेगा। क्लासेस आपकी सारी चलेंगी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पे, तो अगर आप सच्ची में इस एसएससी जीडी के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो आप लोगों को जुड़ना पड़ेगा एसएससी के इस बैच से, ठीक है। तो चलिए फिर अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन पूछ रहा है ऊर्जा की एसआई इकाई क्या है, क्या आंसर करोगे, ऊर्जा की एसआई इकाई क्या हो जाती है। तो आप कह दोगे कि मैडम जो ऊर्जा होती है ना वो तो क्या है, इट इज जस्ट द कैपेसिटी ऑफ डूइंग वर्क, यानी कि किसी भी कार्य को करने की क्षमता होती है, और कार्य की इकाई जूल होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा मैडम जूल। अगर मैं यहाँ पे बात करूं न्यूटन की तो यह होती है फोर्स, यानी कि बल की इकाई। फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है हर्ट्ज, हर्ट्ज जो होती है यह फ्रीक्वेंसी की इकाई होती है, यानी कि आवृत्ति की इकाई होती है, ठीक है। और पास्कल जो होती है यह क्या है, यह है आपके लिए प्रेशर की इकाई, ठीक है, किस चीज की, दाब की इकाई यह होती है, ठीक है, ध्यान रखोगे इतनी चीज। अगला क्वेश्चन आप लोगों से कहता है विच मेटल वॉज अर्लियर कॉल्ड वॉल्फ्रैम, बताइए किस धातु को पहले वॉल्फ्रैम कहा जाता था। क्या आंसर करोगे, आप कहोगे कि मैडम ये वही धातु है जिसको हम बल्ब में इस्तेमाल करते हैं, क्यों, ताकि जो भी हीट एनर्जी है उसकी वजह से वो जल्दी पिघल ना जाए। जब वो जल्दी पिघलेगा नहीं तो वो क्या होगा, लॉन्ग उसकी ड्यूरेशन रहेगी। तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं, किस चीज का फिलामेंट लगाते हैं बल्ब में, तो हम लगाते हैं टंगस्टन का फिलामेंट, क्यों, क्योंकि इसका हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है, उच्च गलनांक होता है, थैंक यू सो मच सर, उच्च गलनांक इसका हमें देखने को मिलता है। दूसरी चीज क्या, इसकी लॉन्गिटिविटी बनाए रखने के लिए, कि ज्यादा टाइम तक क्या करे, ज्यादा टाइम तक बच्चा ये आपका चलता रहे, तो उसके लिए हम जो है यहाँ पे एक और कार्य करते हैं, हम इस बल्ब के अंदर नाइट्रोजन या फिर आर्गन गैस भर देते हैं, क्योंकि ये गैसेस क्या करती हैं, क्योंकि ये गैसेस आपको एक इनर्ट एटमोसफेयर दे देती हैं, यानी कि रिएक्शन लेस एटमोसफेयर दे देती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट नहीं करती है धातु और बेहतर तरीके से लंबे समय तक चली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में निम्न में से किस चीज का उपयोग नहीं किया जाता है, बताइए किस चीज का उपयोग नहीं होता है स्टेनलेस स्टील के निर्माण में, कार्बन, सल्फर, निकल या क्रोमियम। भाई देखो स्टेनलेस स्टील जो है वह क्या है, वह आपका निकल, क्रोमियम और आयरन के मिक्सचर से बनता है। साथ साथ हार्डनेस प्रदान करने के लिए हम यहाँ पे कार्बन की बहुत ही कम मात्रा इंक्लूड करते हैं, ठीक है, और जितनी इसमें कार्बन की मात्रा बढ़ती जाएगी उतना ही ज्यादा क्या होगी, इसकी हार्डनेस बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, हम यहाँ पे सल्फर का उपयोग इसमें नहीं करते हैं। कार्बन, निकल और क्रोमियम, इन तीनों चीजों का उपयोग किया जाता है स्टील के निर्माण में, इस्पात के निर्माण में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आ जाता है टाइफॉइड और टीबी किस प्रकार के रोग है, बताइए कि टाइफॉइड और टीबी जो रोग है वो किस प्रकार के हैं, जीवाणु जनित रोग हैं, विषाणु जनित रोग हैं, प्रोटोजोआ जनित रोग हैं या फिर कवक जनित रोग हैं, क्या आंसर कर दोगे। आप कह दोगे कि मैडम जब भी हम इनके टाइफॉइड और टीबी की बात करते हैं ना
तो इनमें हम क्या देखते हैं कि ये जो टाइफॉइड है सेल्मोनेला टाइफी के कारण हो रहा है, टीबी जो है वह माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस के कारण होता है। और मैम आपने एक चीज बोली थी कि जब भी किसी भी बैक्टीरिया का नाम, यानी कि अगर किसी भी रोगजनक का नाम वो उसके रोग से मिलता हो, उसी पे वो नाम पड़ गया हो, तो हम उसको क्या कह देते हैं कि भैया ये पक्का बैक्टीरियल डिजीज होगा, जीवाणु जनित रोग है। ठीक है, तो कैसा रोग है ये? जीवाणु जनित रोग होते हैं ये दोनों ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कोशिकांग किसी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ करने का कार्य करता है, मतलब स्कैवेंजर ऑफ द सेल हम किसको कहते हैं, बताइए। सीधी बात है, यहां पे पूछा जा रहा है स्कैवेंजर ऑफ सेल, कोशिका का सफाई कर्मी, कोशिका का सफाई कर्मी कौन है? ठीक है, आप इसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कहते हो, यानी कि आत्मघाती थैली भी कहते हो। आप इसको और क्या कहते हो बच्चा? आत्मघाती थैली भी इसको कहते हो। ठीक है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो, तो आंसर क्या हो जाएगा, क्या कहोगे? गोल्गी अपरेटस, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिडियल लाइसोसोम। तो आप कहोगे मैडम आपने ये बात बोल दी ना, इससे सारा का सारा क्लियर हो गया। तो ये जो लाइसोसोम होता है, हम इसको क्यों आत्मघाती थैली बोलते हैं बच्चे? क्योंकि ये सिंपल सी चीज है, इसमें हमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मिलते हैं जो क्या करते हैं, जो क्या बोलते हैं, रिडक्शन कर देते हैं। ठीक है, रिडक्शन कर देते हैं किस चीज का, मतलब जो भी आपका यहाँ पे ये ऐसे फॉरेन मटेरियल होता है, इसको डाइजेस्ट कर देते हैं, उसको तोड़ देते हैं, उसका खंडन कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? ओके, आपसे यह पूछा गया है कि जो माउंटेन्स बन जाते हैं पृथ्वी के सरफेस पे, वो निम्न में से किसके कारण बनते हैं? चुंबकीय बल के कारण बनते हैं, ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनते हैं, बहिर्जातीय बल के कारण बनते हैं, या फिर अंतर्जातीय बल के कारण बनते हैं। अब देखो जरा चारों बलों को यहाँ पे अच्छे से समझ लीजिए। जब हम यहाँ अपने इन सभी चारों बलों को समझते हैं, तो हम क्या देखते हैं, मैग्नेटिक फोर्स मतलब क्या, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी स्पिन के कारण कुछ मैग्नेटिज्म डेवलप हुई, और उस फिर चुंबक के द्वारा क्या किया जा रहा है, वहां पे कोई बल निश्चित लगाया जा रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, ये हम कहेंगे क्या, ड्यू टू स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, दूसरा है गुरुत्वाकर्षण बल, पृथ्वी के पास जो पृथ्वी जो एक पिंड है, इसके पास अपनी एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति है, जिससे किसी भी वस्तु को अपने अंदर की ओर खींचती है, अपनी तरफ खींचती है। ठीक है, तो ये क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल हो गया। एक्सोजेनस फोर्स मतलब जो बाहर की तरफ लग रहा हो, या किसी भी चीज के बाहर लग रहा हो, और एंडोजेनस फोर्स क्या, जो अंदर की तरफ से लग रहा हो बल। अब पृथ्वी के अंदर बहुत सारे अंदर की तरफ कार्य होते रहते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, पृथ्वी के अंदर बहुत सारे कार्य होते रहते हैं, और ये जितने भी सारे कार्य होते हैं, ये क्या है, जैसे पहाड़ बन गया, कोई पठार बन गया, प्लेटू बन गया, या फिर अगर मैं बात करूं कहीं पे झील का निर्माण हो रहा है, ये सब अंदर की फोर्सेस के कारण होता है। तो ये ध्यान रखना, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो एसएससी ने आपसे पूछा था एमटीएस 2019 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच पार्ट ऑफ ह्यूमन ईयर कलेक्ट्स द साउंड फ्रॉम द सराउंडिंग्स, यानी कि मानव कान का कौन सा भाग अपने आसपास की ध्वनि को इकट्ठा करता है और कान के अंदर भेजने का कार्य उसका होता है? क्या कहोगे, क्या कह दोगे, इसका आंसर क्या दोगे? आप कहोगे कि मैडम जब भी हम बात करते हैं अपने कान की, तो हमारे कान का ये जो भाग है जिसको हम ओरिकल कहते हैं या पिन्ना कहते हैं, ठीक है, ये वाला जो भाग है, इसको हम क्या कहते हैं कि इसी का कार्य होता है हवा को, वो मतलब ध्वनि को कलेक्ट करना। कई बार ऐसा होता है, मैं कुछ चीज सुनाई नहीं देती, सामने वाला कुछ बोल रहा है पर हमें समझ नहीं आ रहा है ना, तो हम क्या कहते हैं, क्या कह रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, इससे हमने अपने पिन्ने को बढ़ा लिया, हमने अपने ओरिकल को बढ़ा दिया। जब हम पिन्ना को बढ़ा देते हैं तो ज्यादा साउंड कलेक्ट होती है और हम आसानी से सुन पाते हैं। लॉजिक है इसके पीछे भी, ए यूं करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, एक्चुअल में लॉजिक को समझो।
ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की। अच्छा हाँ, यहाँ पे देखो एनविल हुआ और हैमर बोन हुई, ये दोनों हड्डियों के नाम हैं। और कॉकिलिया ये आपका वो लिक्विड होता है जो आपके कान के अंदर होता है, और ये बैलेंसिंग का काम करता है आपके कान के अंदर। और साथ साथ क्या करेगा, आपके जितने भी इन जो ये साउंड गई है इसकी वजह से क्या होगा, वहां पे वाइब्रेशन क्रिएट होती है और उन वाइब्रेशन को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट करा जाएगा फिर, और फिर भेजा जाएगा आपके दिमाग के टेम्पोरल बोन के, टेम्पोरल लोब के अंदर। ठीक है, कहाँ भेजा जाएगा, टेम्पोरल लोब में इसको भेज दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है, किस कोशिकांग को सेल का पावर हाउस कहा जाता है? विच सेल ऑर्गेनल इज ऑल्सो कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल? पावर हाउस ऑफ द सेल आप किसको कहोगे, तो आपके दिमाग में बात क्या आ जाएगी कि मैडम पावर हाउस जो होता है ना वह कौन सा है, वह है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, क्यों कहते हैं इसको पावर हाउस, क्योंकि जितनी भी ये जो दो झिल्ली वाला कोशिकांग होता है इसके अंदर क्या होता है, इसमें एटीपी नामक आपके मॉलिक्यूल्स का निर्माण होता है जो ऊर्जा करेंसी होती है हमारे किसी भी सेल के लिए। ठीक है, तो ऊर्जा जो होती है वह किस रूप में आती है, वह आपके एटीपी के रूप में आती है मानव के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, व्हाट इज द मेन मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ कॉन्टिनेंटल मास? भैया जो महाद्वीपीय द्रव्यमान होता है, जैसे अगर मैं बात करूं महाद्वीप बोले तो क्या, जैसे हमारा एशिया है, ठीक है, अफ्रीका है, अमेरिका है, मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका है, यूरोप है, ये सब क्या है, ये सब आपके कॉन्टिनेंट्स हैं। इन कॉन्टिनेंट्स यानी कि महाद्वीपों की अगर मैं बात करती हूँ, तो इन महाद्वीपों में मुख्य कौन से घटक हमें देखने को मिलते हैं? ऑक्सीजन एंड एलुमिना, मैग्नीशियम एंड सिलिका, एलुमिना एंड मैग्नीशियम, या फिर सिलिका एंड एलुमिना। भैया आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा सियाल करके, मुझे बताओ जरा ये कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है कि सियाल करके, क्या कहोगे कि मैडम हमने सियाल पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आप कह दोगे जी मैडम हमने पढ़ा है सियाल का कॉन्सेप्ट, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा है कि हमारा जो बेसिकली जो हमारे पृथ्वी की बाह्य क्षेत्र है वह किस चीज का बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम का बना है, और जो हमारा अंदरूनी क्षेत्र है वह हमारा फेरस का बना है। ठीक है, नीफे कहते हैं हम इसको, निकल और फेरस का मिलके बना होता है। ठीक है, तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि जो हमारा कॉन्टिनेंटल मास है वह किस चीज का बना है, सिलिका और एलुमिना का बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूड पैकेजिंग में चिप्स को ऑक्सीकृत होने से रोकने के लिए किस गैस का उपयोग किया जाता है? क्या आंसर करोगे, किस गैस का उपयोग किया जाएगा? तो आप क्या कहोगे, नंबर वन नाइट्रोजन गैस का, नंबर टू हाइड्रोजन गैस का, नंबर थ्री हीलियम या फिर कार्बन। क्या आंसर कर दोगे, आप कहोगे मैडम नाइट्रोजन गैस का उपयोग किया जाता है, क्यों, क्योंकि ये रोकता है रेंसिडिटी, प्रिवेंट्स रेंसिडिटी। ठीक है, क्या करता है ये, विकृत गंधता रोकता है, विकृत गंधता रोकता है। ठीक है, तो इसी वजह से हम नाइट्रोजन गैस का यहां पे उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बैट सर्च आउट प्रे एंड फ्लाई इन डार्क नाइट बाय एमिटिंग एंड डिटेक्टिंग रिफ्लेक्शंस ऑफ विच टाइप ऑफ साउंड वेव्स? भैया यहाँ पे सिंपल सी बात आपसे कही गई है कि जो चमगादड़ होते हैं वे किस प्रकार की ध्वनि तरंगों के प्रतिबिंबों का उत्सर्जन और पता लगाकर अंधेरी रात में शिकार और की खोज के लिए निकलते हैं। तो आपसे ये पूछा गया है कि आप ये कौन सी वेव्स का इस्तेमाल करते हैं अपना शिकार पकड़ने के लिए, सोनिक वेव्स, हाइपरसोनिक वेव, सबसोनिक वेव, और लास्ट हो जाती है अल्ट्रासोनिक वेव। बताइए, अल्ट्रासोनिक वेव्स को हिंदी में कह देते हैं पराश्रव्य तरंग। तो बताइए कौन सी है, श्रव्य तरंग, हाइपरसोनिक तरंग, अपश्रव्य तरंग या पराश्रव्य तरंग? क्या कह दोगे कि मैडम अल्ट्रासोनिक वेव्स का यहां पे उपयोग किया जाता है चमगादड़ के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सी जो है आपकी एक रिएक्शन है जिसमें कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है।
ठीक है, जहां पे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. मिक्सिंग वॉटर इन क्विक लाइम, हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, क्रिएशन ऑफ वॉटर और बर्निंग ऑफ कोल, जहां पे कॉम्बिनेशन नहीं हो रहा है. भाई देखो, यहाँ पे मिक्सिंग ऑफ वॉटर इन क्विक लाइम, यानी कि CaO के अंदर जब हम H2O मिलाते हैं तो CaOH होल ट्वाइस हो जाएगा. हीटिंग ऑफ लाइमस्टोन, CaCO3 को जब हम हीट कर रहे हैं तो ये CaO और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, इसमें ब्रेक डाउन हुआ. क्रिएशन ऑफ वॉटर, H2 प्लस O2 गैस, जब इनको हम क्या करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास कराते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, वाटर बन जाता है. और तीसरा क्या, कोल, जब हमने कोयले को जलाया ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो यहाँ पे क्या बन जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाता है. तो हम क्या देखते हैं कि इनमें से इसमें कॉम्बिनेशन हुआ, यहाँ कंबाइन हुआ, यहाँ कंबाइन हुआ, ठीक है, इन सब में कॉम्बिनेशन हुआ, लेकिन ये जो रिएक्शन है इसमें क्या करा, इसमें चीज को तोड़ दिया. और जब इसके अंदर चीज को तोड़ दिया तो आंसर क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही आंसर हो जाता है कि मैम ये कॉम्बिनेशन नहीं, ये डीकम्पोजिशन रिएक्शन है. ठीक है, ये विखंडन की अभिक्रिया थी. नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा एक कार्बन का अपरूप नहीं है, ग्रेफाइट है, मिथेन है, डायमंड है, या फिर बकमिंस्टर फुलरीन है. एलोट्रॉप या अपरूप की जब मैं बात करती हूँ, ये कहता है कि कोई भी ऐसा पदार्थ जिसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो लेकिन केमिकल प्रॉपर्टीज सेम हो, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज. ठीक है, यानी कि यहां पे क्या है, समान रासायनिक गुणधर्म, समान रासायनिक गुण होंगे लेकिन भिन्न भौतिक गुण अगर होते हैं, भौतिक गुण अगर होते हैं तो उनको हम क्या कह देते हैं कि भैया ये हमारे एलोट्रॉप होते हैं. अब इसमें देखो, ग्रेफाइट किस चीज का बना है, तो आप क्या कहोगे कि मैडम ये तो हमारा प्रॉपरली सारा सिर्फ और सिर्फ कार्बन का बना है, मीथेन में CH4 आ जाता है. डायमंड जो होता है वह आपका कार्बन का बना है, और बकमिंस्टर फुलरीन जिसमें C60 इस्तेमाल होता है, बकी बॉल्स हम इनको कहते हैं, बॉल शेप का होता है जिसमें आपके हेक्सागन और पेंटागन हमें देखने को मिलते हैं. ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि ये जो आपका बकमिंस्टर फुलरीन है, मीथेन है, हीरा है और ग्रेफाइट है, ये तीनों क्या है, एलोट्रॉप, क्योंकि सबको जलाने पे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हमें क्या मिल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी. सबको ऑक्सीजन के एब्सेंस में जलाने पे क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा यहाँ पे कोक. तो इसका मतलब क्या है कि केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है लेकिन फिजिकली अलग अलग होते हैं. ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कौन से ऑर्गेनिज्म के कारण काला अजार होता है, बताइए. निम्न में से किस ऑर्गेनिज्म के कारण काला अजार होता है. काला अजार को आप दमदम बुखार भी कहते हैं. ठीक है, आप इसको लिशमैनियासिस भी कहते हैं. ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा क्या आंसर आएगा इसका. क्या कह दोगे कि मैडम लिशमैनिया जो होता है ना, वह लिशमैनियासिस का कारण बनता है. मतलब यह क्या है, यह एक प्रकार का प्रोटोजोआ है, प्रोटोजोआ है. ठीक है, क्या है बच्चा, ये प्रोटोजोआ है. ठीक है जी, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन के पाचन के लिए जिम्मेदार अग्नाशयी रस में कौन सा एंजाइम मौजूद होता है, बताइए. विच एंजाइम इज प्रेजेंट इन पेनक्रियाटिक जूसेस रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन, बताएंगे. ट्रिप्सिन है, पेप्सिन है, अमाइलेज है या लाइपेज है, क्या आंसर करोगे. प्रोटीन का पाचन करना है,
क्या कह दोगे कि मैडम प्रोटीन का पाचन करने के लिए हमें आवश्यकता होती है ट्रिप्सिन की, पेप्सिन की, अमाइलेज की, लाइपेज की? ओके, पेनक्रियाटिक जूस और पूछा है। मैं कंफ्यूज हो गई, मैंने कहा प्रोटीन के पाचन के लिए तो इन्होंने दो दो ऑप्शन दे दिए, तो या तो ट्रिप्सिन है या पेप्सिन है, क्योंकि अमाइलेज तो क्या कर रहा है, स्टार्च का पाचन कर रहा है, और जो लाइपेज है यह वसा का पाचन करता है, फैट का पाचन करता है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या देखेंगे, जो ट्रिप्सिन है वह क्या है, हम देखेंगे कि मैडम ये जो ट्रिप्सिन होता है ये रिलीज होता है पेनक्रियास के द्वारा, और यही सही उत्तर है। पेप्सिन आपका आमाशय से निकलता है, ये आपका एक आमाशयी रस है। ठीक है, क्या है ये, स्टमेटिक, स्टमक एंजाइम है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, कोशिका गुच्छ और बोमेंस कैप्सूल शरीर के किस अंग के भाग है, बताइए। वो ग्लोमेरुल्स और बोमेंस कैप्सूल आर द पार्ट्स ऑफ विच पार्ट ऑफ द बॉडी, हार्ट, किडनी, लंग्स या फिर लिवर, दिल, वृक, फेफड़े या फिर यकृत, क्या आंसर कर दोगे? आप कहोगे कि मैडम जब हम बोमेंस कैप्सूल और ग्लोमेरुल्स की बात करते हैं तो आपने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि इस प्रकार से क्या होती है, ये हमारी नेफ्रॉन होती है, और नेफ्रॉन के अंदर हमें क्या मिलता है, ये रहा बोमेंस कैप्सूल और ये इसके अंदर आते हैं ग्लोमेरुल्स। ठीक है, ये क्या है, ये है ग्लोमेरुल्स। ठीक, और ये क्या है, ये आपकी पीसीटी हो जाती है, ये आपकी लूप ऑफ हेनले है, और ये आपकी डीसीटी हो जाती है। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, हम यह देखेंगे कि ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा आपका किडनी के अंदर हमें देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये नेफ्रॉन का एक भाग होता है। ठीक है बेटा, क्या होता है, ये नेफ्रॉन का ये एक भाग हमको देखने को मिलता है। बात क्लियर? चलो आगे चलते हैं। आगे क्या आ जाती है, स्किन इज अ टाइप ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग, भाई जो स्किन होती है वह निम्न में से किस प्रकार का एक टाइप है? तो भाई देखो, ये जो हमारी स्किन होती है ना, ये क्या है, ये आपका एक टिश्यू है। कैसा टिश्यू है? क्यूटेनियस टिश्यू है। ठीक है, कैसा है ये? क्यूटेनियस झिल्ली होती है, क्यूटेनियस ऊतक होता है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, बैरोमीटर इज यूज्ड फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग, बताइए कि बैरोमीटर का इस्तेमाल निम्न में से किसके लिए किया जाता है? करंट के लिए हम क्या करते हैं, अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, अमीटर या फिर गैल्वेनोमीटर का उपयोग करते हैं। ठीक है, ह्यूमिडिटी के लिए हम हाइग्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं, और ऑल्टीट्यूड के लिए हम ऑल्टीमीटर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो आंसर क्या बचा कि मैडम एटमोस्फेरिक निभाने प्रेशर यानी कि वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे उपयोग करते हैं किस चीज का, बैरोमीटर का। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि सिल्क इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम विच टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, भाई जो सिल्क होती है, जो रेशम होता है, वो किस प्रकार के जीव से उत्पन्न होता है, बताइए कि जी वो जो सिल्क जो होती है किस प्रकार के जीव से उत्पन्न होती है, क्या कहोगे? मोथ यानी कि कीट, गोट यानी कि बकरी, भेड़ यानी कि शीप या फिर बटरफ्लाई। भाई सिल्क की बात करते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन जो किसी भी मोथ के द्वारा रिलीज किया जाता है। ठीक है, आपने अलग अलग प्रकार का सिल्क सुना होगा, मोगा सिल्क है, ठीक है, कांजीवरम सिल्क है, और मलबेरी सिल्क है, ये सब क्या है, अलग अलग मोथ्स के प्रकार हैं। ठीक है, और उसी के आधार पे हम यहाँ पे सिल्क के नाम रखते हैं। ठीक है, कुछ लोगों को बटरफ्लाई भी लगता है, लेकिन मोथ के द्वारा ये चीज होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स अकर्स थ्रू विच टाइप ऑफ फर्टिलाइजेशन, भाई मानव के अंदर जो प्रजनन होता है वह किस प्रकार के निषेचन द्वारा होता है, आपसे निषेचन पूछा जा रहा है कि किस प्रकार के निषेचन द्वारा ये कार्य होता है, क्या आंसर करोगे? क्या आंसर करोगे, जल्दी से बताइए।
कि रिप्रोडक्शन कैसे होता है, तो हम क्या देखते हैं कि क्या ये आंतरिक निषेचन है, मतलब शरीर के अंदर होता है, क्या ये इन विट्रो फर्टिलाइजेशन है, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर होता है, क्या ये एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है यानी कि बाहरी निषेचन है, या फिर ये एक्स विट्रो फर्टिलाइजेशन है यानी कि बाह्य विट्रो, या आप एक्स ही लिखिए, एक्स विट्रो फर्टिलाइजेशन है, निषेचन है। क्या कहोगे कि मैडम इंसान के शरीर के अंदर होता है, ठीक है, कहाँ होगा, कहाँ होगा, तो आप क्या कहोगे, फेलोपियन ट्यूब में, फेलोपियन ट्यूब में हमें यह चीज देखने को मिलती है, तो इस वजह से रिप्रोडक्शन कहाँ हो रहा है, फेलोपियन ट्यूब में। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का ये लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग फिजिकल क्वांटिटी एसआई यूनिट पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड, बताइए इनमें से किस भौतिक मात्रा एसआई इकाई का युग्म सही सुमेलित है, बताएंगे पावर किलोग्राम यानी कि शक्ति से किलोग्राम, दूसरा है इंडक्टेंस से हेनरी, तीसरा है कैपेसिटेंस से ओम, और चौथा आ जाता है संधारित्व सॉरी बल से न्यूटन, कौन सा इसमें करेक्टली मैच्ड है। अरे इसमें तो दो ऑप्शन सही दे दिए, चलो दोनों ही आंसर आप लोग सही बताइए। देखो पावर की अगर मैं बात करती हूँ, पावर को मापने की जो इकाई होती है दैट इज वाट, ठीक है, किसका इस्तेमाल होता है, वाट का इस्तेमाल होता है। किलोग्राम जो होती है यह द्रव्यमान, बोले तो मास को मापने के लिए इस्तेमाल होती है, द्रव्यमान को मापने के लिए इस्तेमाल होती है, ठीक है। इंडक्टेंस या प्रेरकत्व की बात करती हूँ तो बिल्कुल भाई इंडक्टेंस के लिए हेनरी का इस्तेमाल किया जाता है, तो ये बात बिल्कुल सही है, ठीक है। कैपेसिटेंस की बात करती हूँ, आप इसको फैरेड से मापते हो, ठीक है, किससे नापते हो, फैरेड से। और ओम जो होती है यह प्रतिरोध की इकाई है यानी कि रेजिस्टेंस की इकाई है, ठीक है। और अगर मैं फोर्स की बात करती हूं तो फोर्स को हम न्यूटन द्वारा नापते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ठीक है, ये आंसर भी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक धातु है, बताइए निम्न में से कौन सा एक धातु है, सल्फर है, आयोडीन है, आयरन है, या कार्बन है, टुच्चा क्वेश्चन, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन पूछ कैसे लेते हैं। लोहा यहाँ पे बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। और एक और, चलो 30 क्वेश्चन पूरे कर लेते हैं आज के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहता है कि निम्न में से किस प्रिजर्वेटिव का इस्तेमाल हम अचार में करते हैं, भाई अचार खाते हो आप लोग, तो अचार जो होता है उसके अंदर हम निम्न में से कौन सी चीज का उपयोग करते हैं। पहला ऑप्शन आ जाता है कैल्शियम मेटाबाइसल्फेट, दूसरा है सोडियम नाइट्रेट, तीसरा है सोडियम बेंजोएट, और चौथा है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। भाई कैल्शियम अचार को बनाने के लिए आप क्या करते हो, आपको उसको सालों साल चलाना है ना, तो बेसिकली क्या होगा कि यहाँ पे आप सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हो, ठीक है, तो उससे क्या होता है, आप उसका पाउडर छिड़क देते हो, जिससे क्या होता है, जिससे आपका अचार लंबे टाइम तक चलता है। दूसरी चीज क्या होती है, अगर ये ना मिले तो विनेगर डाल दो, ये ना मिले तो राई डाल दो, ये भी ना मिले तो फिर क्या कर दो, बेंजोइक अम्ल डाल दो, बहुत सारी चीजें डाली जाती है, ठीक है, तेल हुआ, नमक हुआ, यह भी इन कामों को करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कोबायल अमीन इज द साइंटिफिक नेम ऑफ, बताइए जो कोबायल अमीन होता है वह निम्न में से किसका एक साइंटिफिक नेम है, क्या कहोगे। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30 है ये आप लोगों के लिए। तो सियानो कोबायल अमीन या फिर कोबायल अमीन जो है यह विटामिन B12 का आपका साइंटिफिक नेम है। अर्ध घुलनशील जल में होता है, जल में अर्ध घुलनशील होता है, ठीक है, सेमी सोल्यूबल इन वॉटर होता है, स्टोर कहाँ होता है, लिवर में स्टोर होता है, यकृत में ये स्टोर होगा, इसके अंदर कोबाल्ट नामक धातु पाई जाती है, और नेक्स्ट चीज क्या है, इसके कारण जो रोग होता है उसको हम कहते हैं परनीशियस एनीमिया, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखेंगे। अच्छा, आप अब अपने सभी प्यारे छात्रों को मैं एक बहुत ही छोटी सी बात बताऊंगी कि भाई आज की जो क्लास है आज हम यही समाप्त कर रहे हैं, इट वॉज अ रिकॉर्डेड क्लास, पता तो आप सभी को था ही, लेकिन सिंपल सी बात यह आ जाती है कि आप में से जितने भी प्यारे छात्र हैं, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर रहे हैं तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्लास लाइव थी कि कैसी थी, ठीक है, सिंपल सी चीज है, अच्छे से अगर करोगे तो
बढ़िया रहेगा सब कुछ, ठीक है? तो चलिए फिर, दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय।